द्वितीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में आज हम प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली का अध्ययन कर रहे हैं। शिक्षा शब्द का अर्थ, शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति शिक्ष धातु से टा प्रत्यय से बनकर शिक्षा शब्द निष्पन्न होता है। शिक्षा का अर्थ है किसी विद्या या किसी वस्तु को सीखने अथवा सिखाने की प्रक्रिया, अर्थात सिखाने की प्रक्रिया को शिक्षा कहा जाता है। शिक्षा का तात्पर्य अनुशासन के अर्थ में भी होता है, अर्थात किसी व्यक्ति के बौद्धिक या मानसिक अनुशासन और उसके शारीरिक अनुशासन में भी शिक्षा शब्द का प्रयोग होता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को एक श्रेष्ठ नागरिक के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है। प्राचीन भारत की गुरुकुल व्यवस्था के बारे में, प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा के प्रमुख केंद्र गुरुकुल थे, अर्थात किसी गुरु का स्थान जहाँ पर वह अपने परिवार के साथ अनेक शिष्यों को निःशुल्क अध्ययन कराता था। गुरुकुल व्यवस्था में गुरुकुल की स्थिति किसी वन में होती थी जहाँ पर वह नगर एवं ग्रामीण कोलाहल से दूर रहकर एक शांत वातावरण में शिक्षा प्रदान करते थे। गुरुकुल में गुरु वह होते थे जो अपने विषय के ज्ञाता होते थे, जो व्यवहार में कुशल थे, जिनका चरित्र उच्च कोटि का होता था एवं जो विद्यार्थियों के प्रति हित की भावना रखते थे। प्रायः गुरु को एक अच्छे नागरिक बनाने के लिए प्रेरित किया जाता था। शिष्य, उस समय शिष्य वह होता था या उसी व्यक्ति, उसी छात्र को, उसी बालक को शिष्य बनाया जाता था जो जिज्ञासु हो, अर्थात कुछ जानने के लिए आया हो, एवं ज्ञान का पिपासु, अर्थात जिसमें जानने की प्यास हो, जो विनयशील हो, अर्थात जो गुरु के समक्ष विनम्र रह कर के पढ़ता हो, संयमी हो, अर्थात गुरुकुल में रह कर के वह गुरु के सानिध्य में ही रह कर के अपने आहार व्यवहार को नियमित रखता था, वह संयमित जीवन जीता था, वह भोग विलास, नृत्य संगीत इत्यादि से दूर रहता था, वह ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करता था। विद्यार्थी को परिश्रमी होना पड़ता था, उसे गुरुकुल के भोजन, आवास आदि व्यवस्थाओं में सहयोग देना पड़ता था। वह प्रातःकाल उठ कर के और वन में काष्ठ अर्थात लकड़ी लाता था, वह अन्न का उत्पादन भी करता था। शिष्य को अनुशासन प्रिय होना था, गुरु के कहे अनुसार उनके आदेशों की पालना करनी थी, अवज्ञा या अनुशासनहीनता का कोई स्थान नहीं था। जो विद्यार्थी श्रद्धावान था उसी को ज्ञान दिया जाता था। गुरु शिष्य का संबंध पिता पुत्र के समान अनौपचारिक था। जिस प्रकार एक संतान को माता पिता निःशुल्क प्रेम से भोजन आदि की व्यवस्था करते हैं, वैसे ही छात्र को भी गुरुकुल में निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क भोजन एवं आवास की व्यवस्था दी जाती थी। वह गुरुकुल में ही रहता था इसलिए उसका एक नाम अंतेवासी, अर्थात बहुत पास में रहने वाला कहा जाता था। शिक्षण विधि मौखिक थी। उस समय जब प्राचीन काल में शिक्षा दी जाती थी तो गुरु अपने ज्ञान को शिष्यों को मौखिक रूप से
उच्चारण करके देते थे और शिष्य बार बार उनका अभ्यास करके कंठस्थ अर्थात याद करते थे। शिक्षण में आगमन एवं निगमन दोनों विधि अर्थात एक के तहत पहले उदाहरण दिए जाते थे एवं फिर नियम निकाला जाता था। दूसरे में नियम पहले पढ़ाया जाता था एवं बाद में उसके उदाहरणों को बताया जाता था। आवश्यकता अनुसार दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता था। शिक्षण पूर्णतया निःशुल्क था। यदि कोई निर्धन छात्र भी है तो भी और यदि कोई राजा का पुत्र है तो भी दोनों को शिक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं देना था। शिक्षा समाप्ति के पश्चात शिष्य चाहे तो अपनी आस्था एवं शक्ति के अनुसार गुरुकुल में यथेष्ट धन दे सकता था। परीक्षा अनौपचारिक होती थी। छात्र की परीक्षा के लिए उसे कोई भी काम या किसी भी माध्यम से परीक्षा लेकर के यदि वह गुरु की परीक्षा में उत्तीर्ण होता तब उसे अगली कक्षा में प्रोन्नत या उसे बढ़ाया जाता था। कोई औपचारिक डिग्री या उपाधि नहीं दी जाती थी। उसकी ज्ञान के द्वारा ही परीक्षा लेकर के उसको आगे बढ़ाया जाता था। प्रमुख शिक्षा के केंद्र। प्राचीन इतिहास के संदर्भ में हमें अनेक गुरुकुलों का नाम ध्यान में आता है। जैसे भगवान कृष्ण ने महर्षि संदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा पाई थी जो मध्य प्रदेश के उज्जैनी के पास था। इसी प्रकार रामायण में वशिष्ठ के आश्रम का उल्लेख आता है जहाँ पर राम एवं उनके भाइयों ने शिक्षा प्राप्त की थी। महाभारत में द्रोण के आश्रम का उल्लेख आता है जहाँ पर कौरव पांडवों ने शिक्षा पाई थी। इसके अतिरिक्त विदेशी यात्रियों एवं तत्कालीन साहित्य से हमें वाराणसी नासिक कांची उज्जैनी कश्मीर मथुरा बंगाल आदि अनेक स्थानों पर शिक्षा के केंद्रों का उल्लेख मिलता है। कालांतर में कुछ प्रसिद्ध विश्वविद्यालय भी स्थापित हुए जो विश्व में विख्यात थे एवं जहाँ पर देश विदेश से भी विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे। इनमें कुछ प्रसिद्ध हैं। पहला तक्षशिला विश्वविद्यालय, यह वर्तमान पाकिस्तान में रावलपिंडी के पास स्थित है। दूसरा है नालंदा विश्वविद्यालय, यह बिहार में नालंदा जिले में है। तीसरा है विक्रमशिला, यह भी बिहार में भागलपुर के पास स्थित है। एवं चौथा है वल्लभी जो सौराष्ट्र गुजरात में स्थित हैं। यह उस समय के कुछ अति प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। धन्यवाद।